बात करेंगे हिसार की। हिसार के आदमपुर के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवकों ने इंजन में धुआं उठता देख गाड़ी रोके और इससे नीचे उतर गए। कुछ ही देर में कार में आग भड़क गई और कार धू धू कर जलने लगी। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने आदमपुर फायर ब्रिगेड को गाड़ी में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर किसी तरह काबू पाया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें। बताया जा रहा है कि अचानक इस कार में आग लगी थी। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक वक्त रहते इससे उतरने में कामयाब रहे, जिससे दोनों की जान बच गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक ये कार आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक से हादसा हुआ। इंजन से धुआं उठता देख कार के ड्राइवर ने किसी तरह कार से उतरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में दो लोग सवार थे। गनीमत रही कि इन दोनों के हादसे में जान बच गई। हालांकि कार में आग कैसे लगी, इस बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे के पीछे के कारण क्या है। लेकिन ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अचानक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार के इंजन में धुआं उठता देख ड्राइवर ने कार रोकी। फौरन कार सवार दोनों युवक उतरे और उसके थोड़ी ही देर बाद ये कार पूरी राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने फौरन इस बात की सूचना स्थानीय दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर कंट्रोल किया जाता, तब तक ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी।